हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टेक ओमेगा और मैं दीपक सिंह। आज के इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं। अभी तक आपने विंडो सिस्टम में टास्क शेड्यूलर या बैच स्क्रिप्ट का यूज़ करके अपने सिस्टम को ऑटो शटडाउन या ऑटो रिस्टार्ट करते हुए या देखा होगा या किया भी होगा, बट शटडाउन कंप्यूटर को ऑटो पावर ऑन होते हुए शायद नहीं देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक शटडाउन कंप्यूटर को कैसे एक निश्चित समय पे एक निश्चित दिन पर ऑटोमेटिक पावर ऑन किया जा सकता है, वो भी बिना किसी पावर स्विच या पावर बटन को प्रेस किए बगैर। सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। सपोज ये हमारा कंप्यूटर है जो कि शटडाउन कंडीशन में है। इस प्रोसेस को ट्राई करने के लिए कंप्यूटर की जो मेन सप्लाई है वो हमेशा पावर ऑन होनी चाहिए। पावर ऑन होने पर एक निश्चित टाइम पर, एक निश्चित दिन पर जब RTC अलार्म एक्टिवेट होता है, तो ये RTC अलार्म पावर कंसोल को ट्रिगर करेगा और शटडाउन कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि RTC अलार्म क्या है। RTC मतलब रियल टाइम क्लॉक अलार्म। यह एक हार्डवेयर का फीचर है जो कि एक शटडाउन कंप्यूटर को एक निश्चित समय पर, एक निश्चित दिन पर पावर ऑन कर सकता है या शुरू कर सकता है। यह आपको मदरबोर्ड के बायोस सेटअप में पावर या पावर मैनेजमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो क्या इसे विंडो के टास्क शेड्यूलर प्रोग्राम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में टास्क शेड्यूलर से सिर्फ स्टैंड बाय या हाइबरनेट कंप्यूटर को ही बैकअप कर सकते हैं या कंप्यूटर को रीस्टार्ट या शटडाउन कर सकते हैं, पर एक शटडाउन कंप्यूटर को बैकअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर सिर्फ मदरबोर्ड के बायोस में ही होता है और ये प्रोग्राम सिर्फ वहीं से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो मदरबोर्ड के बायोस फीचर में ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? कुछ मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर इसे कई अलग अलग नामों से भी डिफाइन करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक पावर ऑन, APM कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप ऑन अलार्म या RTC अलार्म एक्सेट्रा। तो इसे प्रैक्टिकली करने के लिए आइए चलिए इसको ट्राई करते हैं लेनोवो के M सीरीज डेस्कटॉप पर। प्रेस F1 की टू एंटर द बायोस सेटअप। बायोस सेटअप में हम यहाँ पे पावर ऑप्शन पे जाएंगे और पावर ऑप्शन से हम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक पावर ऑन। कई अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स इसे अलग अलग नाम से यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जैसे RTC अलार्म, APM अलार्म, ऑटोमेटिक पावर ऑन या बैकअप ऑन अलार्म। सो यहाँ पर दिया है ऑटोमेटिक पावर ऑन, प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे बैकअप ऑन अलार्म। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल्ड है, तो इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने पे आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे सिंगल इवेंट, डेली इवेंट एंड वीकली इवेंट और यूजर डिफाइन। तो बेसिकली इन ऑप्शंस है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंगल इवेंट में ये अलार्म आपका एक सिंगल इवेंट के लिए एक्टिवेट हो सकता है यहाँ से। डेली इवेंट में ये जो अलार्म है आपको वीक के 7 डेज के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वीकली इवेंट, तो ये इवेंट यहाँ पर एक पर्टिकुलर वीक में किसी एक को एक्टिवेट कर सकते हैं। और लास्ट आता है यूजर डिफाइन अलार्म। तो बेसिकली हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो यूजर डिफाइन अलार्म में करना है। क्यों करना है इसका मैं आप बताता हूँ। यूजर डिफाइन अलार्म सेलेक्ट करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यूजर डिफाइन अलार्म, ये एक्टिवेट हो गया है। इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीक डेज संडे टू सैटरडे सभी यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, और इसमें जो संडे हैं वो बाई डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, बिकॉज संडे को जो वर्किंग होती है या मोस्टली संडे के दिन काम ऑफ रहता है, तो इसको हम संडे के दिन डिसेबल्ड करेंगे। जो डेली इवेंट अलार्म में संडे भी इनेबल होता है, दैट मीन्स कि अगर आपका कोई ऑफिशियली कंप्यूटर्स है और आपने उसमें डेली इवेंट को यहाँ पे सेट किया है, तो आपका कंप्यूटर संडे के दिन भी जो एक पर्टिकुलर टाइम है उस पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे पावर ऑन हो जाएगा। बट यूजर डिफाइन करने में हमें, हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम यहाँ पे संडे को इसको डिसेबल्ड कर सकते हैं। बाकी मंडे टू सैटरडे आप देख सकते हैं इनेबल है। इसके बाद आपको यूजर डिफाइन अलार्म टाइम में जो भी आप टाइम देना चाहते हैं वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मेरा जो ऑफिशियल टाइम है मॉर्निंग 10 o'clock है, तो यहाँ पे मैंने 10 सेट कर दिया है। 10 सेट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे प्रेस F10 की। तो F10 करने के बाद हम इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके इस सेटअप से यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। लेनोवो मदरबोर्ड पर ट्राई करने के बाद आइए चलिए देखते हैं कि आसुस मदरबोर्ड पर इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से कर सकते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे और इसके बाद कंप्यूटर को रिबूट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ASUS मदरबोर्ड पर RTC अलार्म यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम पर RTC अलार्म को एक्टिवेट कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर डे में आप उसको शटडाउन कंडीशन से आप उसको वेकअप कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जो फीडबैक्स हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को फुल कीजिए ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।